अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू रिजाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ अरबी डिश जिसका नाम है फ्राइड लहम रोल। इसके लिए मैंने एक 5 से 6 पीस काट लिए हैं मटन के, ये देख सकते हैं आप, इस तरह के बिल्कुल पतले से काटने हैं आपको। ये कैप्सिकम है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक सा काट लिया, इस साइज़ में देख लीजिए आप। ये स्प्रिंग ऑनियन है, इसको भी इस तरह से काट लें। ये जो है बैंगन है, एक प्लांट, आप भी इसको ना इस तरह से काट लें बिल्कुल पतले से। ये जो है बर्गर लीव्स है, इसको भी आप बिल्कुल बारीक सा काट लें। आधा चम्मच जो है काली मिर्च का पाउडर है, और टेस्ट के हिसाब से नमक, और एक चम्मच जो है टीस्पून जो है मैंने सिर्फ लहसुन लिया है, इसको बिल्कुल बारीक से चॉप कर लिया मैंने, और आधा चम्मच हल्दी, टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर, और नमक मैंने और दूसरा अलादा से लिया है क्योंकि ये पेस्ट में जाएगा दूसरे वाले में। और ये जो है टमाटो पेस्ट 2 टीस्पून, 2 बड़े साइज़ के जो है मैंने टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है बारीक, बिल्कुल पेस्ट सा बना लिया पेस्ट। और ये जो है तेल जो है हम लेंगे ज़रूरत के हिसाब से, जब हम रोल फ्राई करेंगे तब मैं आपको बताऊँगी। चलिए आइए मैं आपको तरीका बताती हूँ इसका, किस तरह से हमें रोल बनाने हैं। मैंने पीस ले लिया है एक, सबसे पहले हमें रखना है एक प्लांट बैगन, और जो है रेड शिमला मिर्च, कैप्सिकम, ये थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन जो है हम भी बस इस तरह से रख देंगे, और बर्गर लीव्स जो है इसी के ऊपर, और काली मिर्च जो है इस तरह से आप डाल लीजिए, और नमक टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिए, और फिर इसको बिल्कुल आप आहिस्ता से इसको आप रोल कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से आप बना लीजिए। चलिए हम बाकी के सारे अभी रेडी कर लेते हैं। फ्राई पैन जो है गरम हो गया है, अभी इसमें मैं तो तेल डालूंगी। और आपको बिल्कुल बिल्कुल भी बिल्कुल स्लो पे से आप फ्राई करें, वरना ये अंदर कच्चे रह जाएंगे। ये देख लीजिए, बिल्कुल स्लो कर दें आप अपना गैस, और उसके बाद आप एक के बाद एक डालते जाइए। चलिए अभी इसमें हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा नमक डालूंगी। बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डालूँगी थोड़ा स्पाइसी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। चलिए हम इसकी दूसरी साइड पलटाते हैं। देखिए ये देखिए, एक साइड सारा हो गया है, और मैंने इस साइड इस तरह से हल्के से आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने पलटा लिए है, ये रेडी हो गया है। चलिए ये भी हो गए हैं हमारे सारे, और इसे भी मैं निकाल लूँगी। ये देखें,
सारे हमारे फ्राई हो गए हैं। ये रोल को हम बाजू रख लेंगे। भी आप देख रहे हो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल है और इसमें हम और थोड़ा सा जो है तेल ऐड कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा आप देख रहे हो। इसमें मैं लहसुन ऐड कर लूँगी, ये देखिए हमें तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस इसी तेल में हमें फ्राई करना है। इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लें आप। चलिए हमारी ग्रेवी जो है वो भी अभी रेडी हो गई है इंशाल्लाह। ये टमाटो पेस्ट, टमाटो को भी मैंने पूरा पेस्ट कर लिया था, सारा सा देख लिया, बिल्कुल पेस्ट है ये, इसमें टमाटर साबित नहीं है। ये देखिए जो है ये दूसरा वाला टमाटो पेस्ट है, ये जो बाज़ार में रेडीमेड है। मिर्च, नमक और हल्दी, बस इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें, फिर हमारी ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाएगी। ये देखिए ग्रेवी हमारी जो है रेडी हो गई है, बिल्कुल पेस्ट। ठीक है चलिए अभी आइए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे फ्राइड लहम रोल है ये बनके रेडी हो गए हैं। आप इसे ट्राई ज़रूर करें, ये बहुत मज़ेदार बने हैं। और अगर आपके पास मेहमान आ गए अचानक से और आपके घर में गोश्त रखा हुआ तो आप बिल्कुल ये झटपट से बना सकती हैं। सलाद भी घर में मौजूद होता है किसी के। चलें अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए इंशाल्लाह मैं फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।